का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है। इसका वर्णन अंधकार की भांति काला है। केश बिखरे हुए हैं, कंठ में विद्युत की चमक वाली माला है। मां काल रात्रि के तीन नेत्र ब्रह्मांड की तरह विशाल और गोल हैं, जिनमें से बिजली की भांति किरणें निकलती रहती हैं। इनकी नासिका से श्वास तथा निश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। मां का यह भय उत्पन्न करने वाला स्वरूप केवल पापियों का नाश करने के लिए मां काल रात्रि अपने भक्तों को सदैव शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। इस कारण इन्हें शाकुंभरी भी कहा जाता है। दुर्गा पूजा के सप्तम दिन साधक का मन सहस्त्रचर चक्र में अवस्थित होता है। भक्तों को अभय प्रदान करने वाली माता गंधर्व गधा पर सवार चार भुजा धारण किए हुए हैं। दुष्टों के लिए माता का रूप भयंकर है, वही भक्तों के लिए कल्याणकारी है। माँ की महिमा अपरंपार है, इनके गुणों का बखान देवताओं ने भी किया है। माँ का दर्शन पूजन करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवरात्र में माँ शक्ति के नौ रूपों की आराधना की जाती है। विध्यंत पर्वत पर त्रिकोण पर स्थित माँ काली आकाश की ओर अपने खुले मुख से असुरों का रक्त पान करते हुए भक्तों को अभय प्रदान करती हैं। ये रूप उन्होंने दुष्टों के विनाश के लिए बनाया हुआ है। मधु कैटव नाम महापराक्रमी असुर से जीवन की रक्षा हेतु भगवान विष्णु को निंद्रा से जगाने के लिए ब्रह्मा जी ने इसी मंत्र से मां की स्तुति की थी। ये देवी काल रात्रि ही महामाया है और भगवान विष्णु की योगा निद्रा है। इन्होंने ही सृष्टि को एक दूसरे से जोड़ रखा है। देवी काल रात्रि का वर्णन काजल के समान काले रंग का है, जो अमावस की रात्रि से भी ज्यादा काला है। माँ कालरात्रि के तीन बड़े बड़े उभरे हुए नेत्र हैं, जिनसे माँ अपने भक्तों पर अनुकंपा की दृष्टि रखती हैं। देवी की चार भुजाएं हैं, दाईं ओर की ऊपरी भुजा से महामाया भक्तों को वरदान दे रही है और नीचे की भुजा से अभय का आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। बाईं भुजा में क्रमशः तलवार और खड़ग धारण किए हैं। देवी कालरात्रि के बाल खुले हुए हैं और हवाओं में लहरा रहे हैं। देवी कालरात्रि गधर्व पर सवार है। माँ का वर्णन काला होने पर भी कांति में अद्भुत दिखाई देता है। देवी कालरात्रि का यह विचित्र रूप भक्तों के लिए अत्यंत शुभ है। अंततः देवी को शुभकारी भी कहा जाता है। कालरात्रि भगवती का स्वरूप बहुत ही विकराल है। कालों का शमन कर देने वाली माता से आच्छादित है। माँ को इस रूप में नाना प्रकार के व्यंजनों को भोग लगाते हैं। विशेष रूप से मधु और महुआ के रस के साथ गुड़ का भोग होता है। सभी पापों का नाश कर अभय प्रदान करने वाली है। जगत जननी माता के दरबार में पहुंचे भक्त माँ के भव्य रूप का दर्शन कर परम शांति का अनुभव करते हैं। कैसा महसूस हो रहा है? मनोकामनाएं पूर्ण करती है। यहाँ कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है पहले से? कॉरिडोर बनने से क्या लगता है? कॉरिडोर बना तो कुछ अच्छा महसूस हो रहा है? संतोष कुमार आए हैं, आए हैं बक्सर बिहार से। कहाँ पे आए हैं? आए हैं विंध्यवासिनी के दर्शन, यहाँ काली खोह में अभी खड़े हैं। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा व्यवस्था हो गया है। पहले से काफी साल से पहले से आ रहे हैं हम लोग, लेकिन बहुत परिवर्तन है और बहुत साफ सुथरा व्यवस्था है। दर्शन पूजन हो गया आपका? बहुत सुंदर से दर्शन हुआ है। प्रशासन व्यवस्था कैसी है? प्रशासन का बहुत बढ़िया सहयोग है। कितने वर्षों से आ रहे हैं हमारे दर्शन करने? बहुत वर्षों से आ रहे हैं, अब गिन नहीं पाएंगे उसको, काफी वर्ष से आ रहे हैं। विमलेश पांडे भदोही, ज्ञानपुर भदोही से आए हैं। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ आकर दर्शन करके जो है धन्य हुआ जा रहा है। काफ़ी सुविधाएं बढ़ गई हैं। पहले सुविधा के नाम पे कुछ नहीं था, भीड़ भाड़ हुआ करती थी, धक्का मुक्की जो है गली सकरी थी। काफ़ी साफ सफाई जो है, प्रशासन की व्यवस्था अच्छी दिख रही है। मेरा नाम धनंजय सिंह है और बिहारी गोपालगंज से आए हैं। नवरात्र का पहला दिन था, इसलिए माता जी के दर्शन का श्रद्धा लगा और आ गए। बात आज सुबह से आए हैं, इससे पहले आते थे लेकिन इधर 5-7 साल से नहीं आए थे, तो रात में अच्छा इच्छा हुआ। जी जी, यहाँ आके बहुत शांति मिलता है, सुकून मिलता है आदमी को, इसलिए पूरा परिवार लेके हम आए हैं। जी जी, वैद्यनाथ पर्वत पर विराजमान माँ काली त्रिकोण पथ पर अवस्थित होकर सभी भक्तों का कल्याण कर रही हैं। दूर दूर से आए भक्तों का कहना है कि माँ सभी मनोकामना पूर्ण कर देती है। देवी का ये
रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाला स्वरूप है। दुर्गा पूजा का सातवां दिन तांत्रिक क्रिया की साधना करने वाले भक्तों के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। सप्तमी पूजा के दिन तंत्र साधना करने वाले साधक मध्यरात्रि में देवी की तांत्रिक विधि से पूजा करते हैं। इस दिन मां की आंखें खुली होती हैं। षष्ठी पूजा के दिन जिस विल्व को आमंत्रित किया जाता है उसे आज तोड़ कर लाया जाता है और उससे मां की आंखें बनती हैं। दुर्गा पूजा में सप्तमी तिथि का काफी महत्व बताया गया है। इस दिन से भक्तजनों के लिए देवी मां का दरवाजा खुल जाता है और भक्तगण पूजा स्थलों पर देवी के दर्शन के लिए पूजा स्थल पर जुटने लगते हैं। शास्त्रों में जैसा वर्णित है उसके अनुसार पहले कलश की पूजा करनी चाहिए, फिर नवग्रह, दश दिक्पाल, देवी के परिवार में उपस्थित देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, फिर मां कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। देवी की पूजा से पहले उनका ध्यान करना चाहिए। सप्तमी के दिन भी लाखों श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी देवी के मंदिर पहुंच रहे हैं। मां का दर्शन पूजन करके उनकी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं।